एक डॉक्टर जो मतलब सबकी जान बचाती हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, वो हम सबकी जानें बचाती हैं, अब वही नहीं सेफ हैं तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जहाँ की घटना है ये कोलकाता की, वहाँ पर जो सरकार है वो महिलाओं के हाथ में है, और जिस प्रदेश की सरकार जो है महिलाओं के हाथ में हो, उस प्रदेश के मुखिया जो है वो महिला हो, और फिर इस तरह की घटना हो जाए, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिंदी 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 ये हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सारी गर्ल्स को इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदी 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 बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार का है, बेटी बचाओ का नारा है, तो बेटी को पढ़ाने के साथ में बेटी को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी है और समाज की भी है। नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में, और यहां पर कोलकाता में हुए निर्भया कांड की लोग निंदा कर रहे हैं, और यही वजह है यहां पर रेडियंस इंटर कॉलेज की छात्राएं प्रोटेस्ट कर विरोध जता रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेडियंस इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज ये लोग कैंडल मार्च निकाली हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साहिबा बानो है। और कहाँ रहती हैं आप? जी मैं भेड़ा में रहती हूँ। आज ये प्रोटेस्ट आप कर रही हैं, क्या वजह, क्या कारण है? ये प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि गर्ल्स आज वो सेफ नहीं है, तो अगर गर्ल्स हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, लड़की ने पढ़ तो लिया, बच्चियों ने पढ़ तो लिया, बट उनकी सेफ्टी का क्या? उनकी सेफ्टी का जब तक जिम्मा नहीं लेंगे, कड़ाई से उस पर मतलब कि कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो गर्ल्स पढ़ लिख कर भले ही कुछ भी बन जाए, बहुत कुछ बन जाए, बट उनकी अगर सेफ्टी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर एक डॉक्टर जो मतलब सबकी जान बचाती हैं, कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप है, वो हम सबकी जानें बचाती हैं, अब वही नहीं सेफ हैं तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है? तो किसकी जिम्मेदारी है बेटियों को बचाने की? ये जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की है, हमारे गवर्नमेंट की है, अगर वो कड़ाई से इसका मतलब कोई एक्शन ले तो बहुत बेहतरीन हो सकता है इस पर। तो आप क्या चाहती हैं, प्रोटेस्ट जो कर रही थी, कैंडल मार्च आप निकाली थी अपने तमाम छात्राओं के साथ में, तो इससे क्या संदेश देना चाहती हैं? इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े नियम बनाए जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है, आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने बहुत से ऐसे रेप केस देखे हैं, गैंग रेप देखे हैं, इनके खिलाफ कोई कड़ाई से कार्रवाई की ही नहीं गई, तुरंत एक्शन ले लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो देश की सरकार है उसको क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके हिसाब से कौन सा ऐसा कानून लाना चाहिए सरकार को जिससे कि उन हत्यारों को, उन गुनहगारों को और उन रेप दोषियों को सज़ा मिल सके आसानी से? मेरे हिसाब से अगर हत्यारा तुरंत मतलब उसे फांसी हो जानी चाहिए बस। जहाँ की घटना है ये कोलकाता की, वहाँ पर जो सरकार है वो महिलाओं के हाथ में है, और जिस प्रदेश की सरकार जो है महिलाओं के हाथ में हो, उस प्रदेश के मुखिया जो है वो महिला हो, और फिर इस तरह की घटना हो जाए, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि जहाँ की एक महिला है मतलब वहीं पर ये सब हो रहा है, ये बहुत ही गलत है, बट फिर भी कड़े एक्शन लेने चाहिए इस पर। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से आप तुलना करें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, आपके वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आपको ममता जी की सरकार बेहतर लगती है या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर लगती है? मुझे किसी, इन दोनों केसों में किसी की भी सरकारें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने अपने ही उत्तर प्रदेश में देखा है, चाहे वो हाथरस का हो, और भी बहुत सारे ऐसे हैं मैंने देखे हैं, तो उसमें भी इतना कोई जस्टिस नहीं मिला था उसको,
तो उसमें भी बहुत गलत हुआ था। ये पूरे देश में ऐसा हो रहा है, इसके खिलाफ़ बहुत ही कड़े एक्शन लेने चाहिए, बस मैं यही कहूँगी। हमारे साथ और भी छात्राएं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम नेहा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई अलग से आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और मुझे लगता है कि उन बहनों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप सड़कों पर उतरी हैं और उनके इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पर सख्ती की जाए। और छात्राएं हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शफकत फातिमा है। यही तंबोर से बिलोंग करती हैं आप? जी, मैं तंबोर से बिलोंग करती हूँ। आज आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या संदेश दे रही हैं इस प्रोटेस्ट से? इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य है, यहाँ पे रेप बहुत ही हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और कोई जो दरिंदे रेप करते हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं है और सरकार इतनी हमारी कमज़ोर हो गई है, जो दरिंदे रेप करते हैं तो वो बिल्कुल डरते ही नहीं है, मतलब आगे बढ़ते ही जा रहा है ये, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो। तो सर इसके लिए बहुत कड़ा कानून लाना चाहिए सरकार को और फांसी देनी चाहिए। हम लोगों की यही बस मान है कि फांसी देनी चाहिए। हम लोगों को भी पढ़ना है, हम लोग अभी अब मैं इंटर में आई हूँ तो हम लोगों को भी पढ़ना है। मेरी सिस्टर पढ़ रही है, वो भी मेडिकल में पढ़ रही है, तो हम लोगों को भी डर लगता है कि अरे मेरी सिस्टर पढ़ रही है, अभी गई है वो, तो जब वो यहीं थी, अब जब ये कांड हुआ था फिर घर वालों ने भेजा सरकार के ऊपर भरोसा करके, बस सरकार हमारा भरोसा बिल्कुल भी गिराए ना और सरकार को अच्छा जो है लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए हम लोगों के लिए। और ये हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सारी गर्ल्स को इंसाफ मिलना चाहिए। बेटा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये ऐसी जगह घटना हुई है जहाँ पर मुखिया जो है वो महिला है और वहाँ की सरकार जो है महिला के हाथ में है, और जब महिला के हाथ में पूरा सिस्टम हो और उस जगह पर अगर इस तरह की घटना हो जाए तो क्या कहना, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिला तो वो हैं, लेकिन अब क्या कह सकते, बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कानून स्ट्रांग करने चाहिए, क्योंकि महिला वो भी महिला है, हम लोग भी महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग कानून करें और प्रोटेक्ट करें महिलाओं को, क्योंकि वो भी महिला है और वहाँ की सरकार महिला की है। अजीज़ अहमद गोरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपके कॉलेज की छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया है और कैंडल मार्च निकाला है नगर में, थाने पहुंचकर इन छात्राओं ने पुलिस को ज्ञापन भी दिया है, क्या मानते हैं कि जहां पर प्रदेश की मुखिया महिला हो और वहां पर इस तरह की शर्मनाक घटना हो जाए? सबसे पहले तो हम न्यूज़ 9 लाइव टीवी के जो है एंकर और प्रोपराइटर और संपादक सब कुछ आप नफीस अहमद साहब हैं, इनका हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी पूरी इस प्रोटेस्ट रैली को, कैंडल मार्च को, जो कि आधा प्रोग्राम हमारा कैंडल मार्च का था और आधा हमारा जो है यह प्रोटेस्ट था, दोनों को जो है कवर किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके साथ उन पत्रकारों का भी जो साथ में रहे और कवर उन्होंने किया। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब जो ये है कि यकीनन ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो और उसके बाद वहाँ पर जो है घटना घट जाए और उसको न रोक सके, तो इसमें कोई नो डाउट दियर इज़ द वेरी शेमलेस जो एक्ट, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक काम है। लेकिन इसके अलावा रुद्रपुर में भी घटना घटी है, एक लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, और भी कई प्रदेशों में हुआ, घटनाएं घट रही हैं, अपने यूपी में घटनाएं इससे पहले पूर्व में घट चुकी हैं, तो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में घटनाएं घटती रहती हैं। तो इन पर कड़ाई से नियम लागू हों, कोई सख्त से सख्त कानून लागू हों और कानून अपना काम फौरी तौर पर करे। अगर फौरी तौर पर कानून करता है काम तो फिर लोग डरते हैं और उससे बचते हैं, लेकिन अगर कानून फौरी तौर पर नहीं, कानून नाफिस होता है लेकिन इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, ट्रायल्स चलते हैं, 10 साल 5 साल बाद इंसाफ मिलता है, तो लोग भूल जाते हैं इस वाकये को और फिर वो दरिंदगी और नाइंसाफ़ी और जुल्म करने लगते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है, हमारी दोनों भारत सरकार से भी और अपने स्टेट सरकार से, जितनी स्टेट की सरकारें हैं, कि हम भारत के रहने वाले लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों में से हमको महफूज ठिकाने मिलने चाहिए, हिफाजत से हम रहें, हमारी बच्चियाँ रहें, डॉक्टर्स बनने, लोग पढ़ाई से उबने लगे, हम तो कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर होने नाते आपसे बता रहे हैं नफीस सर कि यहाँ पर बहुत से गार्जियन आए हैं, कहा हम बेटी का नाम अगली बार कटवा लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, अब बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, हालात नहीं मुल्क ख़राब चल रहे हैं, इस तरह से घटनाएँ घट रही हैं, लोग डर जाते हैं,
लोग को एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ जो मियाद बना रहे हैं, इसलिए इन घटनाओं को रोका जाए ताकि शिक्षा को नुकसान न पहुंचे। बेटी पढ़ाओ का नारा का सरकार का है, बेटी बचाओ का नारा है, तो बेटी को पढ़ाने के साथ में बेटी को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की भी है और समाज की भी है। समाज का बड़ा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो भी इस सरकारें क्या है, सरकार तो हम ही हैं, हम लोगों से सरकारें बनती हैं। हम लोग अगर समाज में एक अपना जिम्मेदारियाँ का निर्वहन करने लगें और हम लोग आदर्शों उसूलों पर चलने लगें, हम लोग कानून का पालन करने लगेंगे तो सरकारें हमारी अच्छी हो जाएंगी। हम खुद सरकार का सहयोग नहीं करते, जनता को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसमें सरकार की ही का कसूर नहीं है, बल्कि इसमें जनता जनार्दन का भी कसूर है, समाज का है, सोसाइटी का है, समाज के तमाम अंगों का है। सभी लोगों को मिल करके जो है इस बला से और हमको जो है हिफाजत करनी है और मुल्क की बेटियों को हिफाजत महफूज ठिकाने पर लगाना है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से लगातार घटनाएँ हो रही हैं देश और प्रदेश में, इस पर सरकार को कौन सा वो ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि बेटियाँ महफूज रह सकें? मेरे ख्याल से जन जागरण अभियान भी चलाए जाएँ, विचार गोष्ठियाँ, सेमिनार, सिंपोजियम, जनता को जागरूक किया जाए और हमारे यहाँ को सरकार ऐसे कठोर कानून बनाए जिनको तुरंत लागू किया जाए। जब कठोर कानून जो है तुरंत लागू हुए, अगर रेपिस्ट को फांसी तुरंत दे दी जाए, ये सजा बन जाए, तो क्या होगा कि आदमी डरेगा कि हम तो तत्काल फांसी दे दी जाएगी, तो लोग रेप से बहुत दूर भागेंगे। रेप करना तो तसव्वुर भी नहीं करेंगे, उससे कल्पना नहीं करेंगे उसे करने के लिए। इसलिए कानून सख्त बनाए जाएँ और उस सख्त कानून को फौरी तौर पर बिना किसी उसके लाग लपेट के लागू भी किया जाए, तभी ये रुक पाएगा और जनता को जो जागरूक भी किया जाए, जनता के उस बारे में जागरूकता भी फैलाई जाए। अगर इस तरह के अभियान चलाने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो अगला कदम आपके कॉलेज की तरफ से क्या उठाया जाएगा? देखिए, हमारे कॉलेज ने हमेशा से जो है जनता जनार्दन को जागरूक करने का काम किया है। आज भी हमारा मिशन ये था कि हम आम जनमानस को जागरूक करें, हम अपनी छात्राओं को जो है जागरूक करें, हम सिस्टम को जागरूक करें, हम सरकारों को जो है का ध्यान आकर्षित कराएं इस तरफ, और हम जो है एक अपने मेमोरेंडम के जरिए जो हमने ज्ञापन दिया है थाने में एसओ थाना दे तम्बोर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि वहाँ तक जो है सिस्टम तक बात पहुँचाएँ कि जनता में रोष है, जनता में इसका जो है दुख है, जनता में एक जो है पीड़ा है, जनता की पीड़ा, उसके रोष, उसके दुख को महसूस करे सरकार हमारी और कोई कठोर कदम उठाए ताकि हम लोग जो है अमन और चैन से इस मुल्क में रहें। ये भारत एक जो है दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। हमारे पड़ोस में हमारे कई मुल्क हैं, पाकिस्तानी है, वहाँ क्या हालात आज बीत रहे हैं। हमारा मुल्क तो बहुत अमन चैन से रहता है, हम अपने मुल्क की जितनी प्रशंसा करें कम है, लेकिन इस तरह घटनाएँ जब होती हैं तो एक पीड़ा, एक दुख, एक रोष, एक मतलब व्याकुलता पैदा होती है, उसको दूर करने में सरकार को जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे साथ रेडियंस इंटर कॉलेज के प्रबंध निदेशक अजीज़ अहमद गौरी जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनसे पूर्व में कॉलेज की छात्राओं ने हमसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने बखूबी सुना। फिलहाल के लिए आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद तौफीक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर।